बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह ये मोटरवेज अब बड़ी तेज़ी के साथ बन रही हैं। केपीके जहां दूसरी पार्टी की हुकूमत है वहां पर भी हम हज़ारा मोटरवे हम बना रहे हैं। लोड शेडिंग मुल्क के अंदर से अब ख़त्म होती अब दिखाई दे रही है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फल से 2018 में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। पिछले 4 साल अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने गुजारे हैं एक धब्बा नहीं है किसी करप्शन के दाग का, अल्लाह का शुक्र है। ये समझ नहीं आती कि ये कहाँ से करप्शन हुई है, कब हुई है, किसके साथ हुई है, कौन से मंसूबे में हुई है जिसका आज एहतसाब हो रहा है। 2013 से ही 14 से ही ये तमाशा लगा हुआ है इस मुल्क के अंदर। आज पाकिस्तान से दहशतगर्दी की भी कमर तोड़ दी गई है। आज माशाल्लाह तरक्की के बुलंदियों पर है पाकिस्तान, ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया कह रही है। इस्तीफा मांगने वाले कौन है? वही हैं जिनको एक बार नहीं बार बार कौम ने ठुकराया है। 2.5 साल से ज़्यादा तो मैं प्राइम मिनिस्टर रहा ही नहीं, ये पहली मरतबा मैं 4 साल तक पहुँचा हूँ। देखिए आगे क्या होता है ना, उनका टारगेट सिर्फ ये है कि जी नवाज शरीफ को नीचे उतारा जाए और फिर उसके बाद अपना कोई रास्ता बनाया जाए। अवाम के वोटों के ज़रिए से तो नहीं बना, अब वो अपना कोई और रास्ते ढूंढ रहे हैं। हम मेहनत करते चले जाएंगे, अपना फ़र्ज़ निभाते चले जाएंगे, ये डुगडुगी बजाने वाले डुगडुगी बजाते चले जाएंगे।